इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने काफी हंगामा किया है, कैसे देखती है बीजेपी, हुआ क्या था सदन में? देखिए, जनगणना का अधिकार भारत सरकार ने एक जनगणना अधिनियम बनाया है और वह संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक और संघ सूची में जनगणना जो है वो भारत सरकार का विषय है, वो राज्य सरकार का विषय नहीं है, इसलिए उसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता कि इस तरीके के प्रश्न। क्या कह रहे थे सपा के विधायक, जाति जनगणना होनी चाहिए, मतलब सरकार से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए? ये देखिए, उनका वो उनका मांग कर वो तो कह रहे थे कि बिहार जैसा, तो हम उत्तर प्रदेश को बिहार जैसा बनाना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश बिहार को बहुत पीछे छोड़ करके अब आगे जा रहा है और उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। आज देश की जो है वो दूसरी अर्थव्यवस्था का राज्य है, तो इसलिए उसको अब इस तरीके के उनके वो जैसा चाहते हैं समाजवादी पार्टी, उस तरीके से हम उत्तर प्रदेश को नहीं बनाना चाहते। उन्होंने अराजकता का, गुंडागर्दी का, हल्ला बोल का उत्तर प्रदेश बनाया था, वो हम नहीं बनाना चाहते। तो ये सूर्य प्रताप शाही हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि चूंकि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार का विषय है, लिहाजा उस पर फिलहाल सदन के भीतर कोई चर्चा नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।